एवरीवन, तो पता है आज मैंने ये वाला फेस मास्क बहुत दिन हो गए मेरे को यूज़ किए हुए, महीना हो गया, लेकिन ये बहुत अच्छा है। ये गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल फेस मास्क है जो लगा के पील ऑफ होता है। बेसिकली ये पील ऑफ मास्क है, तो आज मैं इसको यूज़ करूँगी। इस मास्क में मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि जब हम पील मास्क उतारते हैं तो हमारे ना बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें लगा के उतारने में हमें, मैंने पहले कई पील मास्क यूज़ किए थे, लेकिन उनसे क्या हो रहा था, जब उनको निकालते थे ना तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था, लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं है। और आप इसको लगाते हुए एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, पहला कि ज़्यादा थिक लेयर ना लगाएं, क्योंकि अगर आप थिक लेयर लगाएंगे उसे सूखने में 1 घंटा लगेगा। तो आप इसकी थिन लेयर ही लगाएं, वो जल्दी सूख जाती है। और अगर आपके पास टाइम है तो आप भाई लगा लो थिक लेयर, लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ, मैं इसकी बहुत थिन लेयर लगाती हूँ जिससे जल्दी से सूख जाए और मैं इसको निकाल सकूँ। इसके साथ आपके जो बारीक बारीक वो होते हैं ना, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ब्लैक तो नहीं लेकिन जो वाइट हेड्स होते हैं नाक आपके पास, वो निकल जाते हैं। बेबी हेयर तो मैं नहीं बोल सकती कि मेरे रिमूव होते हैं इससे, जैसे फेस पे बेबी हेयर होते हैं वो तो नहीं, लेकिन हाँ जो नाक के पास वाइट हेड्स रहते हैं ना वो इससे अच्छे से निकल जाते हैं, पूरे के पूरे रिमूव हो जाते हैं। और फेस मतलब एकदम ब्राइटन अप लगने लगता है, क्योंकि शायद मे भी ये वाइट सेट वगैरह होते हैं ना, इनसे फेस बहुत ज़्यादा डल डल हो जाता है। हमें दूर से दिखाई नहीं देते किसी को भी ये, लेकिन जब हम पास में देखते हैं तो ये बहुत ही गंदे दिखाई देते हैं, खासकर नाक, ये नोज़ अराउंड का एरिया है जो, इस पे बहुत ही गंदे लगते हैं ये बहुत ज़्यादा। और मेरे को वाइट हेड्स बहुत होते हैं क्योंकि मेरी एक्ने स्किन है ना, मेरे वो बहुत 9th 10th 11th 12th इन क्लासेस में मेरे को इतने पिंपल रहे ना कि मेरे एक उंगली की भी जगह नहीं होती थी फेस पे रखने के लिए, इतने बुरे पिंपल होते थे मेरे को। जितने मेरे को पिंपल हुए हैं शायद ही किसी को हुए हों। ये लग गया, अब इसको, ये जब सूख, इसकी मेन चीज़ वही है कि आपको ये पूरा सुखाना है तभी ये पील ऑफ होगा ढंग से, नहीं तो ये ना रह जाएगा, फिर वहाँ से जब आप पील ही नहीं कर पाओगे तो फिर लगाने का फ़ायदा क्या है। तो इसका पूरा सूखने का वेट करें इसका। और एक और बात इससे जुड़ी सबसे ज़रूरी, जिनके फेस पे एक्ने है ना वो प्लीज़ इसे ना करें, क्योंकि पील होती है ना जब निकलता है तो फिर एक्ने भी वो छीलेंगे इधर उधर फैलेंगे, तो एक्ने वाले यूज़ ना करें। बाकी और इसमें ना कुछ फ्रेशनेस सी होती है फील फेस पे जब हम लगाते हैं, जैसे मिंट वगैरह यूज़ नहीं करते उस टाइप से फील होता है इसे लगाते हुए फेस पे। तो मैंने लगा लिया, अब चलो मैं इसको जब ये ड्राई हो जाएगा तब तो आपको पील ऑफ करके दिखाऊंगी। आप इसको ट्राई बहुत ज़रूर करना, ये 249 रिटेल करता है, लेकिन ये मेरे को 180 या 200 समथिंग में मिल गया था। अगर आप कोई अच्छा पील मास्क चाहते हैं अफोर्डेबल रेंज में तो आप इसके लिए ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। और ये मोस्टली ना पर्पल ही पे मिलता है ये, और पर्पल पे मोस्टली ये आउट ऑफ स्टॉक रहता है, मेरे भी कई बार कोशिश करने के बाद मिला था मेरे को ये, और काफ़ी चल जाता है ये मेरा, इसको हो गया 10 11 महीने तो हो चुके होंगे। चलो जब भी सूख जाता है तब मिलती हूँ मैं आपसे, बाय तब तक। ये देखिए ये ड्राई हो चुका है, अब हम इसको निकालते हैं। इसमें लगाने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखना, आपका फेस ना अच्छे से वो होना चाहिए, कोई भी चिकनाहट या ऐसा या फिर क्या बोलते हैं, मतलब फेस को, कहने का मतलब ये है कि अच्छे से क्लीन रखना। और फेस पे कोई भी ऑयल वगैरह नहीं होना चाहिए। मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा है ये, और अगर पॉसिबल हो तो आप इसको ना अपवर्ड डायरेक्शन में ही निकालो। मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन आप और किसी पील मास्क को लगाती ना मैं तो
उसका क्या होता, वो ना मेरी स्किन में, स्किन को निकालते ही रेड कर देता, पर इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आप मोटी परत लगाएंगे ना तो ये सारा एक साथ उतरेगा, अगर आप पतली परत पर लगाएंगे मेरी तरह तो ये आपको मेरी तरह टुकड़ों में निकालना पड़ेगा। शायद पता नहीं कैमरा कैच करेगा या नहीं करेगा, लेकिन देखिए छोटे छोटे दिखाई नहीं दे रहा। मेरा मेन मोटिव इसको लगाने का यही रहता है, ये जो नाक के पास है ना यहाँ से निकल जाए। नाक के पास से जो ये यहीं पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं, मेरे से ना बिल्कुल नहीं निकलते थे जो पहले पील मास्क थे। आपको पता है जब मैंने लगाए वो, लगाने के बाद निकालने का उनको नंबर आया और जो मेरे आँख से आंसू ही आंसू निकले, मैंने उनको पील किया ही नहीं, फिर मैंने उन्हें पानी से वॉश किया है, लेकिन इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ से ड्राई हुआ नहीं है इसलिए निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। अब इसको तो मैं धुल लूंगी पानी से, जहां से और निकल जाए। यार ये इतना पतला है मेरे हाथ में ही नहीं आ रहा है, यहां से ये ड्राई नहीं हुआ ना। जहाँ से ये ड्राई नहीं हुआ मामा थोड़ा थोड़ा रह गया। अब मैं देखती हूँ इसमें कुछ दिखाई देता है क्या, फोकस एंड फोकस होगा नहीं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें छोटे छोटे जो बहुत छोटे छोटे व्हाइट हेड्स है ना नाक पे, इससे व्हाइट व्हाइट निकलता है वो सारा इससे निकल जाता है। अब मैं फेस वॉश कर लेती हूँ और आप इसको ना ज़रूर ज़रूर ट्राई करें, आपको इतना सा भी दर्द नहीं होगा। लेकिन आप क्या करना, जब आप फेस पील ऑफ मास्क को लगाओ ना तो अपने अपने फेस को थोड़ा सा शेव कर लेना। मैंने भी रेज़र मंगा रखा है जो आपके ये यहाँ पे ईयर्स होते हैं, क्योंकि जब हम इसको निकालते हैं तो मेन इन्हीं में दर्द होता है, तो आप वो यूज़ कर लेना। चलो ठीक है, बाय, मिलती हूँ, मैं फेस वॉश कर लूँ, नहा धो लूँ। बाय, लव यू ऑल।